गर्मी बहुत है गाइस, बाजार तो जाना बोले तो वो गाइस हम लोग जा रहे हैं एयरपोर्ट। आ रहे तुम मान लो के मैं रात के 3 बजे एयरपोर्ट पे आ रहे वाला में दे दो हम लोग। 1500 बड़ी मंगा लेते वाले 10,000 की। टबू भाई प्लीज सेव, टबू भाई सेव, टबू भाई प्रेशर कैसा करे जा खड़े हुए ये झाड़ों के वास्ते होंगे शायद। Assalamu alaikum everyone, this is me Lovely Khan, you can call me Ruxi also, welcome back to my channel. So yes guys, after a long time, Bhalal, आज का vlog start करने से पहले मेरे channel को subscribe कर लीजिए, video को like कर दीजिए और share कर दीजिए और कमेंट भी कर देना मेरे ब्लॉग से आप लोगों को कैसे दिख रहे हैं बोल के। और गर्मी इतनी ज्यादा हो रही है कि मेरे को इंट्रोडक्शन देने में हुफ, ऐसी रूटीन वाला ब्लॉग जैसे मैं हमेशा डालते जा रही हूँ वैसी ब्लॉग है। बट हम लगा जा रहे हैं अब चार मीनार में, सोची चार मीनार में थोड़ी बहुत शॉपिंग करने का है और गोल्ड की शॉप को भी जाने का है एंड थोड़े बहुत पाकिस्तानी सूट्स भी लेने का है। और मेरे को जितना अंदाजा है मेरे पाकिस्तानी सूट्स में जो भी वेयर कर रही हूँ आप लोगों को पसंद आ रही है, येस और नो कमेंट करके जरूर बोलना। तो मैं कहाँ से लेती हूँ पाकिस्तानी सूट्स वो आज आपको मैं रिवील करने वाली हूँ। तो कंटिन्यू करिए व्लॉग को, अब जा रहे शॉपिंग करने तो मैं सोचा आपको भी लेके चलूँ और थोड़ा कंफर्टेबल पहन ली मैं एंड मास्क लगाने का है एंड निकलने का है। चार मिनट फॉर द शॉपिंग, मैं मालूम कौन सी शॉपिंग करने जा रहे हैं बट चलो तो सही मेरे साथ। लेते एक जने गोल्ड बट जाती पूरी फैमिली, सेम स्टोरी हमारे घर में भी है। और मेरे को कहीं को लेके जाते बोले तो अकाउंट्स करने मतलब हिसाब किताब करने के वास्ते। सोने का रेट क्या चल रहा है जरा कमेंट करके बोलो। हाँ ओके, बहुत दिनों के बाद चारमीनार की गलियों में फिर रही हूँ मालूम है गाइस, आई जस्ट लव चारमीनार की गलियां, आई मीन मार्केट। बचपन में मैं बहुत फिरी हूँ। एग्जैक्टली हम लोग पटेल मार्केट की गलियों में आ गए। देखो गाइस नॉर्मल से कॉटन के ड्रेसेस है प्लस आपको इसमें ओंडे भी मिल जाती, बहुत अच्छे रहता है इसका फैब्रिक। ये भी अच्छा दिख रहा है, देखो खोल के भी बता रहे देखो गाइस। और इसका दुपट्टा, ये है इसका दुपट्टा प्योर कॉटन। कैसे 300 रुपए में आपको ऐसा मिल जाता, देखो शर्ट शलवार ओनली। बताओ ये एक और ये वाला आंटी लिए और एक ये एक नाइस अच्छे कलर्स लिए और इन्हों क्या लिए, इन्होंने दो लिए। सूट्स भी लेना है तो आप ऐसा ले सकते हैं, देखो 8 पीस का है ये, 8 पीसेस का है। एक और एक पाकिस्तानी की कैटलेट बुक है, नाइस कलर 4, 5, 6, 7 का बताइए। और ये पूरे कलर्स डिफरेंट है ये। तो गाइस हम लोग बैग ले लिए पूरा चार मीनार में ये शॉप से लिए, देखो यहाँ पे मिलते पाकिस्तानी सूट्स, मोस्टली यहाँ से नहीं लेते हर जगह से लेते बट इस बार हम लोग यहाँ से लिए पाकिस्तानी बैग। कैसा दिखा कमेंट में जरूर बोलना भाई। चार मीनार फिर लिए, अब मंडी को आए तरकारी लेने के वास्ते। हम लोग फिर से ये वाली शॉप पे आ गए जहाँ से हम लोग लास्ट टाइम रमजान में ड्राई फ्रूट्स वो सारे चीजें लिए थे। यहाँ से लिए 1 किलो बादाम और अंजीर और ये कवर में ये कलम में लिए ये काजू, अफोर्डेबल प्राइस में भी मिलता और अच्छा क्वालिटी का रहता है, होलसेल रेट रहता। गर्मी बहुत है गाइस, बाजार को जाना बोले तो वो डान बेच चार मीनार शॉपिंग घर जाके मिलती। बाय 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 बाय।
A few minutes later. Guys, हम लोग जा रहे हैं एयरपोर्ट. यस गाइस, एयरपोर्ट जा रहे हैं. और ये मैं न्यू टी शर्ट पहनी, आपको जाके OTT एयरपोर्ट में बताती हूँ. तो यस, चलो इंजॉय करो एयरपोर्ट की वाइब. इंजॉय करो आप लोग, सबको बताती हूँ. सबके आउटफिट एकदम किराक किराक मस्त दिख रहे. चलो एयरपोर्ट जाने का मिलती. ओके बाय. एयरपोर्ट हाँ, नीचे जाना है. किसको देखो, किसको देखो? वाह, किधर से आ रहा कि बिछवा रहा? मेरे को तो बहुत ज्यादा खुशी हो रही है गाइस. एयरपोर्ट को देख के कुछ मेरे को खुशी होती है. आज यू नो, मैं लास्ट व्लॉग में बोली आपको. चलो चलते हैं. छपरिया व्लॉग रहा क्या? एयरपोर्ट जाके खुश होते हैं समझो. कमेंट करो प्लीज. बस बोल रही हूँ आपको, मेरे को एयरपोर्ट अच्छा लगता. ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद है. इंशाल्लाह आगे आगे लाइफ में जाके शायद मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल करती हूँ, किसको मालूम. आप लोग अभी से सब्सक्राइब कर लो तो आपको मालूम हो जाता कि मैं आगे जाके बहुत ज़्यादा ट्रैवल करने वाली हूँ इंशाल्लाह. क्रॉस फिंगर. अभी तो एयरपोर्ट वाइब इंजॉय करो. यहाँ से हवा जाते हैं. Going to the Aero Plaza. एयरपोर्ट को तो पहुंच गए और हम लोग एरो प्लाजा पे भी पहुंच गए. और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फोटोज चलते जा रहे हैं. और यहाँ पे मोस्ट ऑफ द लोग हैं जो मेरे को पहचानते. थैंक यू वेरी मच, फेल्ट वेरी मच हैप्पी. अभी क्या खाना समझ में नहीं आ रहा क्योंकि हमारे टेस्ट के हिसाब से यहाँ पे कुछ भी नहीं मिल रहा खाने के अलावा. और KFC के अलावा हम लोग को कुछ भी दिख रहा भी नहीं क्या खाना की क्या नहीं. हम लोग एक्चुअली ना KFC तो खा नहीं सकते वाई बिकॉज यू नो ऑल. तो KFC तो खा नहीं सकते. अभी कुछ भूख लग रही, कुछ तो खाना. बल्कि हमने क्या सोचे, फ्रैंक इज द बेस्ट ऑप्शन. लाइट स्नैक भी जैसा हो जाता और कुछ खाए जैसा भी हो जाता. और साथ में हम लोग क्यूट क्यूट डोनेट भी लिए. आप लोग KFC के अल्टरनेट में क्या खाते हैं आप लोग कमेंट करो. ऑप्शन नहीं दिखा रहा अब यहाँ पे, तो ऑप्शन कुछ भी नहीं दिखा रहा था. KFC है, पिज्ज़ा हट है, मैकडोनल्ड्स है, यानी तो हल्दीराम से वो सारी चीज़ें, वो सब तो नहीं खाना दिखा रहा था. तो इसलिए हम लोग फ्रैंकी पे चले गए. टाइम क्या हो रहा? 3:30. और फ्रैंकी का क्या दिखा? मजा आया? एक रात देखो क्या है ये रातों में, क्या है ये रातों में 3 बजे क्या कर रहे हो तुम लोग एयरपोर्ट पे? इन लोग कहाँ गए? आ रहे तुम लोग के मम्मी. क्या है मम्मी? हाँ पूछेंगे मम्मी. क्या है मम्मी रात के 3 बजे एयरपोर्ट पे? आ रहे कुछ भी पागल हो गए लोग ना रातों में गलियां गलियां फिरते. हम लगा एयरपोर्ट के फ्लोर्स फिर रहे वालों में. लाइक सीरियसली, आप लोगों भी कभी भी दिल नहीं लगा तो आप लगा एयरपोर्ट उठ के आए? गाइस आप लोगों का कभी भी दिल नहीं लग रहा तो एयरपोर्ट को उठ के आए? हम लोग आए. आप लगा आए तो कमेंट करना. हम लोग तो आ गए. अभी फिर से जाएंगे जाएंगे एलिवेटर से. हो उठने जा रहे मालूम है गाइस. पाप बिचारे रहे, पाप बिचारे प्लेट यहाँ से देख रहे रेल लगा. पाप बिचारे गाइस आप भाग रहे थे भाई बिचारे. एक रहा प्लेन देखे तो कैसे दिख रही है? बड़ी है देखो, मेरे को कभी भी ऐसा छोटी दिख रही.
इसके इतने अनलॉजिक क्वेश्चंस का जवाब मैं नहीं दे सकती हूँ। गाइस वी आर डन नाउ और हम लोग जा रहे हैं अभी ओला कैब्स के पास, बस हो गए और सुबह के बज रहे 4। तो आपको यहाँ पे कैब्स मिल जाते हैं ऑब्वियसली, आप लोगों को मालूम होगा, बट स्टिल मैं बता दे रही हूँ, ऊबर तो नहीं बुक करे हम लोग, ओला बुक करे, ओला सेक्शन वाइज मिल जाते प्राइम, नहीं नहीं वहाँ का वहीं बैठ जाके चले जाना रहता, प्राइम सेडन, प्राइम एसयूवी, प्राइम प्लस। One eternity later. Assalamu alaikum everyone. तो वो ये व्लॉग मालूम है उस दिन से लेके अब तक कंटिन्यू चल रहा, उसके नेक्स्ट डे इकरा आदिलुल्लाह सब जने चले गए थे। गाइस मैं सोची थी कुछ व्लॉग शूट करूं, बट उस दिन ना पुन्नम था कते, तो खालमी हम लोग को किधर भी बाहर निकलने नहीं दिए, और कैफे जाना था कैफे का प्लान कैंसिल कर दिया, मंदी को जाना था मंदी का प्लान कैंसिल कर दिया, तो सब कैंसिल हो गया था। अब है डे 4th और कल तो उल्लंघा चले गए, तो आज है मेरा, आज है मेरा एक कोलैबोरेशन गाइस, वो दिनों के बाद कोलैबोरेशन का शूट कर रही हूँ ना, एक्चुअली मैं व्लॉग्स में बताना बंद कर डाली थी कोलैबोरेशंस, क्योंकि क्या बताऊँ बल्कि फीलिंग आ रहा था उल्लंघा पहले पैसे कम दे रहे, दो दो बार प्रमोशन दे वो जा रहा मेरा, इसीलिए नहीं बता रही होती। भला यहाँ पे इंडिपेंडेंस के ओंडिया शुक्रे, तो अब जा रहे हैं हम लोग चार मीनार के कोलैबोरेशन को, चलो आपको बताती हूँ वहाँ पे बहुत 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 अच्छे ऑफर्स मिल रहे करते, और आज का जो जो भी प्लान्स रहते हैं, आज के जो जो भी जहाँ जहाँ जाते हैं हम लोग, वो पूरा आपको साथ में लेके चलेंगे बोल के कंटिन्यू करते हैं। और मेरा आउटफिट और मेरा मेकअप कैसा दिख रहा जरूर कमेंट करना। आज हम लोग जा रहे कोलैबोरेशन, बहुत दिनों के बाद, दिनों के बाद जा रहे थे बीचों में, मगर कि मैं व्लॉग शूट नहीं कर रही हूँ और अभी टाइम नहीं है, मम्मी आधे घंटे में वहां रहने का है, चलो मैं कैब बुक करती हूँ। हाँ हम लगा जा रहे कैब से, क्योंकि चार मीनार जाना है और कैब कार अपनी पार्क कर नहीं सकते वहां पे, इसलिए हम लगा कैब में जा रहे हैं, और ट्रैफिक बहुत रहती तो कार में जाना अच्छा रहता बोल के, इसलिए कैब बुक कर रही हूँ मैं। कैब बुक करने के बाद कार में मिलती हूँ आपसे, बाय। यस गाइस फाइनली हम लोग शॉप पे और आखा चल रही, ये शॉप का स्टॉक है इस फॉर द कोलैबोरेशन आउटफिट, मेरा ये है मम्मी का, ये हाँ मम्मी का भी दिख रहा अच्छा दिख रहा नहीं, यूट्यूब पे भी अपलोड हो जाएगा। हाँ एक्सपीरियंस है अल्हम्दुलिल्लाह, जरूरी भी है नेक्स्ट शॉप में भी उनको एक्सपीरियंस ही रहता। पीछे से दिक्कत है नहीं, इसको ऐसा बाय अल्लू, कैसा उठा के लेके आ रहे हो देखो। यहाँ पे BTS फॉर द कोलैबोरेशन कलेक्शन बहुत अच्छा है मालूम है, अगर कोई भी शादी सीजन शादी आ रही बारात आ रहा कुछ भी आ रहा तो आप लोग खरीद सकते हैं, मुझे मेरा खुद का दिल मान ले रहा है कपड़ों को देखे तो। कोलैबोरेशन को गई इसीलिए तारीफ कर रही हूँ, नको समझो गाइस, लिटरली यहाँ पे बहुत अच्छे खासे ऑफर्स चल रहे हैं, और जिसके घर में शादी है कुछ भी है तो उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद रील बनाई मैं इंस्टाग्राम पे, तो आप लोग जाइए इंस्टाग्राम पे देखिए, मैं इंस्टा के नीचे आईडी डाल दूंगी। तो यस अ फ्यू इंचेस लेटर हल्दीराम्स गाइस हम लोग कोलैबोरेशन से डन हो गए और अब जा रहे हैं हम लोग पेट पूजा करने, क्योंकि सुबह से उतना अच्छा खा के नहीं थे, तो मंदिर इज द बेस्ट ऑब्वियसली, वो दिन बहुत दिनों से मंदिर मिस कर रहे थे उन लोग, तो वो रीज़न की वजह से ही मंदिर खाने आ गए, और ये थोड़ा सा रेस्टोरेंट अच्छा दिख रहा था। हाँ अंदर बुला लेंगे, आप लोग ऐसा वाला कोलैबोरेशन में दे दो हम लोग फोटो।
नहीं मेरे को नया होना होना नया होना जी अच्छा नहीं दिखता मेरे को क्या क्या सामने दिखा तो ले रही हूँ मैं अच्छा बट मेरे को तो अच्छा नहीं दिखता नंबर टू लेफ्ट साइड ये वन है ये टू है ये है काशिप की मंदिर तो अल्हम्दुलिल्लाह डन गाइस मंदिर हम लोग बहुत अच्छे से खाए क्योंकि भूख बहुत ज्यादा शिद्दत से लग रही थी एंड आई जस्ट लव द टेस्ट अगर हम लोग सब्जी ने अगर आपको टेस्ट के वाइज से और रेटिंग हिसाब से दिए तो स्टाफ को 5 out of 5 फूड को 5 out of 5 क्वालिटी एंड क्वांटिटी वो भी 5 out of 5 मजा आ गया खा के अगर आप लोगों को भी आना चाह रहे तो आ जा सकते सो ये अभी जाना है घर और मजा आ गया आज का कोलैबोरेशन करके एंड मंदी खा के चलो चलते घर पे हमेशा मान लो मैं बिल के टाइमिंग पे कितने है अभी पे कितने हैं 1500 अभी 1500 का 1500 में बड़ी मंगा लेती थी तो छोटी छोटी कहीं मंगाई क्या बोलती है अच्छा 1500 बिल कितना आया बता दो जान दो 3500 इतने छोटे इतने छोटे बाय सलाम सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन चलो फिर चलो कहाँ पे आए क्या बोल रहे थे मम्मी बोलो हम लोग कहाँ पे आए आप लोगों को पूरा बताएंगे चलो गाइस दिस इज चलो आ जाओ ये है टिकट काउंटर और हम जा रहे हैं अंदर भाई बिकॉज हमारी फ्री एंट्री है फ्री 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 अभी देखो गाइस मैं ये व्लॉग अभी ये गाइस में व्लॉग डाले डाले तक शायद ये खत्म हो जाता बट व्लॉग देख के एंजॉय कर लो नो ऑप्शन नेक्स्ट ईयर लगे जब इंशाल्लाह मैं स्टोरी डालती हूँ आप लोग डेफिनेटली आ जाना चलो एंजॉय करो द वाइब ऑफ नर्सरी सिर्फ सिंगल सिंगल उठा देखे तुम ये वाला एकदम सिंगल सिंगल भी आप उगा सकते प्लांट गाइस अपना एज अ इनवाइटेड तो आ गए बट देखो सेम ईयर तब्बू का वाइट जूता है वो भी इसीलिए तब्बू भाई का वाइट जूता है अब उन्होंने बोल रहे मैं उससे आगे नहीं आता चलो आ जाओ कुछ भी ऑप्शन नहीं आ जाओ बोले तुम अगर बारिश पड़ रही बोल के तो वाइट जूता कैसा पहन के क्या हिसाब से बोले बारिश पड़ डिफेंस मेरा चेस्ट तब वो भाई अगर ये किचन लगा तो तुम लग रहे तो भी नहीं जाता वो तो मैं सही नहीं कर पा मैं लगा दूं खत्म दिल वो हो जाता अरे लग गया ना अरे बहुत ख्वाहिश से लिए सो नो वाइट जूता तब्बू भाई विद जूता फोन करेंगे ना नहीं अभी कुछ भी नहीं कर सकते ये व्लॉग शायद मेरा ये चोने वाला है तो चप्पल खुद नहीं होने कौन अरे मेरा पैर देखिए आप कैसा हो क्या चप्पल को जाके चप्पल को लग गए थे आई मैं उस चीज की रेस्पॉन्सिबल नहीं हूँ गाइस आई एम नॉट टेकिंग द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस क्या हुआ खाश तू क्या कर लेते ठहरे हुए पॉइंट ऊपर कर ले रहा है क्या इन्हें तबू भाई प्लीज सेफ प्रेशर कैसा करे तबू भाई सेफ तबू भाई प्रेशर कैसा करे तबू भाई प्लीज इसमें तो जाने की है वो अरे नको मम्मी नहीं मम्मी नको प्लीज जी बेचारे के साथ नको करो प्लीज वो शाह शहनशाह मर रहा
क्या वो वाला झाड़ा नहीं ले रही, रुको। फाइनली गाइस हम लगा प्लान कर रहे कि हम एंजॉय करेंगे ये वाली वाइब, और मम्मी का चल रहा स्लो मो और यहाँ है कीचड़ एंड आई एम एंजॉयिंग दिस कीचड़ वाइब बिकॉज कीचड़ हर जगह नहीं मिलता आपको, तो छपक छपक के चलती है करी। और यहाँ पे अर्शिया ये वाले झाड़ा देखो मम्मी कहाँ गए तब्बू भाई ये वाला देखो ये सिर्फ ना एक शो के लिए रखते हैं अपन, ज्यादा वो कुछ नहीं शो के लिए चाहिए। ये रबरिया का क्या रही है पूछो उनको, तुम पूछो ये कौन सा प्लांट है, प्लांट है तो वो एकदम डिफरेंट दिख रहा, तो इसीलिए तब्बू भाई तब्बू झाड़ा कैसा दिख रहा है एकदम जबरदस्त। ये ना स्ट्रॉबेरी का है, वो ब्लैकबेरी का है, अच्छा वो स्वीट ऑरेंज का है, ग्रीन ग्रेप्स का है, इलायची का है, मैंगो का भी है यहाँ पे। ओ माय गॉड कितने झाड़ा है। और ये पैसों का झाड़ है तब्बू भाई जा खड़े हुए ये पैसों का कितने पैसे आपके झाड़ में, अभी तो छोटा प्लांट है, अभी छोटा प्लांट है गाइस। ये जो है ना एग्जैक्टली ये नेकलिस रोड के पास है, देखो हैदराबाद के पास ये सिक्योरिटी के पास है एंड दिख रहा आपको ये पूरा स्पेस यूज कर रहे हैं उन लोग नर्सरी के लिए। वी वंदे मातरम, बस करो इसको लेके जाते हमारे अम्मा तो गाइस आप लोग तो समझ गए होंगे कि हम लोग काम पर आए। ओके राजस्थान राजस्थान में झाड़ा नहीं रहते कि दीवानी किराक दिख रहे ना गाइस, हर किस्म के झाड़ा है यहाँ पे, मालूम है हर किस्म के प्लांट हर किस्म के। क्या कर रहे काशिप तू, अच्छा ये कुछ है क्या नहीं आगे 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 थोड़ा आगे आगे करते कुटकुटी हो रही, ये झाड़ों के वास्ते होगा शायद अच्छा था। वाओ पूरा ये व्लॉग को एंड करना है, सो यस गाइस मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक खुश रहिए अपने फैमिली को खुश रखिए एंड मेरे व्लॉग्स देखते रहिए, दिख रहे जरूर कमेंट करना और इंस्टाग्राम और स्नैपचैट पर भी मुझे फॉलो कर देना। एंड या बाय अल्लाह हाफिज।